राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी ग्रुप नंबर 56 का जो एग्ज़ाम था उसमें 41 क्वेश्चन जो हैं वो ग्रुप नंबर 57 के पूछे गए थे, आप सभी को पता है। और इसके जो है वो कैंसिल होने के चांसेस भी पूरे के पूरे हैं। अब विपक्ष ने भी आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी है, सभी टीचर्स भी अपने लेवल पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ पर तय है कि हरियाणा में ये जो एग्ज़ाम है जो ग्रुप नंबर 56 का हुआ है, इसको सरकार जो है या फिर आयोग जो है इसको कैंसिल कर दे और आगे की प्रोसेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट करें, जिसमें एग्ज़ाम जो बच्चों का दोबारा से लिया जाए, जिसमें पढ़ने वाला बच्चा ही सिलेक्ट हो पाए। तो यहाँ पर भाई आपको मैं दिखा देता हूँ, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए भाई, कांग्रेस के जो लीडर हैं रणजीत सिंह सुरजेवाला, इनका भी आरोप है कि भाई अभ्यर्थियों की जो लाइफ है वो बर्बाद की जा रही है, मतलब सीईटी जो है वो जी का जंजाल बन चुका है। तो इन्होंने ये भी बोला है कि भाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और इस एग्ज़ाम को जो लिया गया है इसको रद्द किया जाए। इन्होंने तो दोनों एग्ज़ाम बोले हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। ग्रुप नंबर 56 का एग्ज़ाम जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। 57 में कुछ रिपीटेड नहीं था, तो उसको कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो तो राजनीति है। लेकिन ग्रुप नंबर 56 का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग जो है विपक्ष ने भी अपनी आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी है। बाकी रही बात इसमें भाई कितने कैंडिडेट थे, तो भाई देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वह कैंडिडेट भी कितने थे, 27,162 कैंडिडेट ऐसे थे जो रिपीटेड थे और 41 सवाल रिपीटेड थे। मतलब यहाँ पर पूरा गेम ये है कि भाई एक लॉटरी सिस्टम है, अगर किसी बच्चे ने रिपीटेड सवाल पढ़ लिए तो वो बन गया, एक दिन में पढ़ाई करी अगले दिन वो टॉपर बन गया। और अगर मान लीजिए जो बच्चा है वो 7-8 महीने या 1-2 साल से पढ़ाई कर रहा है, उसने कल का पेपर नहीं देखा था, तो मतलब ग्रुप नंबर 56 के लिए उस बच्चा का स्कोर कम रह गया। तो एक तरीके से लॉटरी है, लॉटरी अगर पहले पता होता कि भाई ग्रुप नंबर 56 का ही पूछा जाएगा, मतलब ग्रुप नंबर 56 में 57 का ही पूछा जाएगा, तो बच्चे पढ़ लेते। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। और रही बात ये कैंसिल होने की, तो संभावनाएं भाई पूरी 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 हैं कि जो हरियाणा सीईटी का जो ग्रुप नंबर 56 का जो एग्ज़ाम है ये कैंसिल होगा, उसके बाद में दोबारा से इसको लिया जाए। लेकिन इससे अगर कुछ विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि भाई इससे डिले हो जाएगा बहुत कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डिले इतना नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। आपको पता है 19 और 20 तारीख की जो है उसमें जो लेवल, मतलब जो ग्रुप है ना टेक्निकल ग्रुप हैं, उनका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि भाई उसमें 4 गुना बच्चे भी नहीं हैं, तो उसमें कोई केस नहीं है, तो वहाँ पर एग्ज़ाम लिया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जो बाकी जो एग्ज़ाम हैं, तो बाकी जो एग्ज़ाम अगर मान लीजिए 1 सितंबर को कोर्ट में हियरिंग है, उसके बाद में लिए जाते हैं ना, तो एक शिफ्ट में ग्रुप नंबर 56 का भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम पे पेपर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी आयोग को, सरकार को अपने लेवल पर एक नोटिस निकाल देना चाहिए कि भाई ये पेपर हम कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा से पेपर लिया जाएगा, जो रीशेड्यूल है वो जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। तो इसके बिहाफ पे एक नया नोटिस जारी कर दे, तो बच्चों को भी थोड़ी सी राहत मिले, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें, क्योंकि अब बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि दोबारा होगा तो पढ़ाई रखेंगे अपनी जारी, लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि दोबारा नहीं होगा तो वो पढ़ाई छोड़ देंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा भाई, पढ़ते रहो, ग्रुप नंबर 56 की जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो 56 की तैयारी ही रखो, क्योंकि भाई यहाँ पर पेपर कैंसिल होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोर्ट, मतलब ये आयोग या डिपार्टमेंट अगर नहीं करेगा, तो कोर्ट के थ्रू भी बच्चे जा रहे हैं, शायद आज या फिर कल कोर्ट में भी केस लग जाएगा इसके रिगार्डिंग, या फिर बाद में कोर्ट भी इसको कैंसिल कर सकता है। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।